कोविड-19 की मार झेल रहे आगरा के पर्यटन उद्योग को अब संजीवनी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पाबंदी हटा दी है। अब आगरा शहर में भी विदेशी सैलानियों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अब पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को एडवांस बुकिंग भी मिलना शुरू हो गई है। इसी वजह से पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से ताज नगरी में विदेशी सैलानियों का आगमन बढ़ेगा, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों का बिजनेस भी बढ़ेगा। ऐसे में पर्यटन कारोबारी आस लगाए बैठे हैं कि आने वाले पर्यटन सीजन भी उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दो साल से उनका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े शाहिद खान ने बताया कि पिछला पर्यटन सीजन कोविड-19 की वजह से बेहद घाटे में रहा। कोई भी विदेशी सैलानी शहर में रुकने को तैयार नहीं था और उड़ानों पर प्रतिबंध होने की वजह से कोई भी भारी पर्यटक आगरा में नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उनका उद्योग धंधा चौपट पड़ा था। लेकिन अब इंटरनेशनल फ्लाइट से पाबंदी हटी है तो उन्हें आने वाले पर्यटन सीजन में खासी उम्मीद है। ये देखिएगा, ये टूरिस्ट स्टेट वालों के लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और आगरा के ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सब वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर में डिपेंड है। जब कोरोना काल चल रहा था, जब से ये कोरोना आया, लाखों लाख लोग इससे जो है परेशान हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है टूरिज्म के लोगों के लिए, क्योंकि फ्लाइटें अब ओपन होने जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, हम लोगों ने साफ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है अब, जिससे कि जो है टूरिस्ट जो आगरा के अंदर में आएगा लोगों को कारोबार मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और साथ में मैं जो है केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग ये मांग भी करते हैं, जो कि हमारी बहुत पुरानी डिमांड है आगरा वालों की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। डीजी मानाजा न्यूज़ के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।